नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। आज हम भारतीय सेना की एक अद्भुत परंपरा के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे बड़ा खाना कहा जाता है। ये केवल एक भोज नहीं बल्कि एक ऐसी परंपरा है जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स और ऑफिसर्स के बीच भाईचारे, एकता और अनुशासन को प्रदर्शित करती है। बड़ा खाना का शाब्दिक अर्थ होता है विशाल भोज। यह एक ऐसा खास आयोजन होता है जिसमें सभी रैंक के ऑफिसर, जवान एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। ये सिर्फ भोजन नहीं बल्कि आपसी भाईचारे और साझे अनुभव का प्रतीक है, जो भारतीय सेना की परंपराओं का हिस्सा है। बड़ा खाना की परंपरा ब्रिटिश काल से ही चली आ रही है। तब ये आयोजन सामूहिक भोज के रूप में शुरू हुआ था, ताकि सैनिकों में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। समय के साथ इस परंपरा ने इंडियन आर्मी के ढांचे में विशेष महत्व प्रदान किया और हर यूनिट ने इसे अपने तरीके से अपनाया है। भारतीय सेना में भोजन केवल शरीर को पोषण देने के लिए नहीं बल्कि यह संस्कृति और संबंधों का अहम हिस्सा होता है। हर रेजिमेंट और यूनिट अपने खास पकवानों और व्यंजनों के लिए मशहूर होती है। बड़े खाने के दौरान हर सैनिक को अपनी रेजिमेंट के खास व्यंजनों को परोसने का मौका मिलता है, जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। बड़े खाने का मेनू सेना की विविधता और समृद्ध संस्कृति का प्रतिबिंब होता है। इसमें उत्तर भारत के स्वादिष्ट करी से लेकर दक्षिण भारत के मसालेदार व्यंजन तक शामिल होते हैं। बात करते हैं स्टार्टर की, तो इसमें समोसे, पकौड़े जैसे स्वादिष्ट स्नैक्स के बड़े खाने की शुरुआत होती है। मुख्य भोजन के रूप में बिरयानी, करी और दाल चावल जैसी परंपरागत भारतीय डिशेस इस भोज का मुख्य आकर्षण होते हैं। साथ में नान, बासमती चावल और विभिन्न प्रकार की चटनियां भी होती हैं। वहीं पर बात करते हैं मीठे की, तो मिठाई में गुलाब जामुन, हलवा जैसी मिठाइयां भोज का समापन करती हैं। और अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये SSB इंटरव्यू बुक्स को पढ़ना ना भूलें। ये बुक्स हर एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए मस्ट रीड है और इनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, बड़ा खाना केवल भोजन तक सीमित नहीं है। इस दौरान विशेष रस्में और कार्यक्रम होते हैं, जैसे सबसे पहले वरिष्ठ अधिकारी और खास मेहमानों को भोजन परोसा जाता है, जो उनके नेतृत्व और सम्मान का प्रतीक होता है। इसके बाद सभी जवान और अधिकारी एक साथ भोजन करते हैं बिना किसी रैंक के भेदभाव के। इस आयोजन का असली महत्व आपसी भाईचारे और एकता को बढ़ावा देना है। बड़े खाने के दौरान जवान और अधिकारी एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं और अपने अनुभवों को साझा करते हैं। इस भोज के जरिए उनके बीच की दूरियां मिटती हैं और सेना की कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होती है। बड़ा खाना के दौरान कई दिलचस्प और यादगार किस्से भी सुनने को मिलते हैं। एक जवान की कहानी मशहूर है, जिसने गलती से अपने कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर गर्मा गर्म करी गिरा दी थी, लेकिन ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए डांटने की बजाय उसे दूसरी बार खाना परोसने का प्रस्ताव दिया, जिससे यह साबित हुआ कि बड़े खाने के दौरान सभी एक जैसे होते हैं, चाहे वे किसी भी रैंक के क्यों ना हों। इंडियन आर्मी के साथ साथ खाना इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में भी मनाया जाता है। नौसेना ने यह आयोजन जहाजों पर होता है, जहां क्रू के सदस्य एक साथ भोजन करते हैं। इसी तरह इंडियन एयरफोर्स में भी यह परंपरा उत्साह और गर्व के साथ निभाई जाती है। दोस्तों, बड़ा खाना भारतीय सेना की उस भावना का प्रतीक है, जो हमें सिखाती है कि हम सभी एक समान हैं और हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता में है। यह परंपरा केवल भोजन तक सीमित नहीं बल्कि आपसी संबंधों को मजबूत करने और आर्मी की समृद्ध हेरिटेज को जीवित रखने का माध्यम है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम के कोर्सेज को चेक करना ना भूलें। आप हमारे लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं।